कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो सफर है वो थोड़ा शाम का पहाड़ों के बीच में है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते फ्रॉम गढ़वाल की इन हसीन वादियों में, नमस्ते गढ़वाल के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं कुंड में। तो एक्चुअली कुंड में हमें जाना है तेल के लिए। तो कल हमारे गांव में रोड की जो शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि रोड हमारे गांव से थोड़ा ऊपर थी, तो अभी गांव की समिति का एक फैसला बना है जिससे कि सब लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि गांव में रोड आनी चाहिए। तो कल से जेसीबी काम पे लग जाएगा और अभी हम जा रहे हैं तेल के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं पहाड़ों की इन हसीन वादियों में। फाइनली हम है कार में और हमारे बड़े साहब भाई साहब चला रहे हैं कार, और अभी हम है कंडारा गांव पे। तो यहाँ पे जो है कंडारा गांव को अभी क्रॉस, हाँ इतना स्पीड में वेदन भाई। तो अभी हम जा रहे हैं कंडारा गांव से आगे, तो आपको कुछ यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं कुछ अच्छी सी, और उसके बाद यहाँ पे है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर के दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। तो चलते हैं कुंड की ओर, और वैसे भी आज हमें तेल लेने जाना है तो ज्यादा टाइम है नहीं, तो हम जा रहे हैं कुंड और आपको यहाँ से सनसेट दिखाते हैं। भारत में एक खूबसूरत सनसेट और एक खूबसूरत सी शाम, तो वो चीज दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी पे और सामने चल रहा है फोटो सेक्शन, और ये है हमारे भैरव बाबा का मंदिर, आराध्य महाराज का। तो यहां से आगे निकलने के बाद ये जो रोड है इसकी स्थिति काफी खराब है एक्चुअली है, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि गाड़ियाँ जब चलती है टू व्हीलर जो चलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो टू व्हीलर चलते हैं उनके साथ काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जैसे डिसबैलेंस हो जाता है और काफी गहरा खड्डा है, तो उससे मतलब जो टू व्हीलर होते हैं उनको चलने में दिक्कतें होती है। और उसके अलावा जो कार वाले होते हैं, जो अनट्रेन आदमी होते हैं, उनको भी काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे कोई अनट्रेन है चल रहा है और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ गई, तो वहां पे जैसे गियर डाउन कर दिया, उसके बाद अगर उसको एकदम से गाड़ी उठानी होगी तो उठती नहीं है और सामने से गाड़ी आ रही है, फिर वहां पे साइड देने की उतनी पर्याप्त जगह नहीं है, तो ये चीजें काफी ध्यान रखनी पड़ती है पहाड़ों में। और पहाड़ों में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कभी पहाड़ों में ड्राइविंग करते आते हैं तो 40 से ऊपर गाड़ी कभी मत भगाओ, क्योंकि पहाड़ों के जो मोड़ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो क्योंकि पहाड़ों की जो रोडें होती है वो मैदानों की तुलना में काफी सक्रिय होती है और वन वे ही होती है ज्यादा, और फिर भी उस पर दोनों साइड गाड़ी चलती है, तो मोड़ों पर कभी भी गाड़ी आ सकती है, तो इसलिए उनमें साइड देने की पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो इसलिए मोड़ों पर हमेशा आराम से गाड़ी चलाइए। तो चलते हैं और पहाड़ों के कुछ खूबसूरत से नजारे आपको दिखाते हैं, तो उनका आनंद लीजिए और चलते हैं फिर हम कुंड की ओर। कंग्रेचुलेशन, और गाड़ी सीख चुके हैं, नई गाड़ी ले आ चुके हैं, तो आज हम इन्हीं के साथ घूमने जा रहे हैं। मैं बैठा हूँ फ्रंट पे, क्योंकि मैं अभी आया फ्रंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो बनाने का होता है काफी अच्छा लोकेशन होता है, तो अभी हम जा रहे हैं और काफी सही जगह है, तो आपको ये जगह दिखा देते हैं एक बारी। तो यहाँ पे रोडों के ऊपर से पेड़ों की जो छाया है वो काफी अच्छी है, और चारों तरफ से पेड़ है तो काफी अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ पे फोटो शूट करने का मन करता है क्योंकि नीचे पत्तियां पड़ी रहती है तो काफी अच्छा दिखाई देता है। और अभी हम बांसवाड़ा पे पहुंच चुके हैं, तो बांसवाड़ा से कटती है रोड
कुंड के लिए और वहां से जाएंगे हम कुंड, तो तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। फाइनली निकल चुके हैं बांसवाड़ा से बीरी के लिए और सामने दिखाई दे रहा है हिमालय का एक अलौकिक दृश्य, तो उसको देख के दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देते हैं एक सुंदर सा पहाड़ों का, देख सकते हैं और काफी जो मजा आता है ऐसे दृश्य देखने में। और अभी यहाँ पे नेशनल हाईवे का काम प्रोग्रेस में है, जो केदार राज्य मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, तो वो अभी कार्य प्रगति पे ही है, काफी हद तक काम हो चुका है, काफी हद तक बचा हुआ है। और अभी हम नेशनल हाईवे से जा रहे हैं कुंड की ओर और ये है भीरी बाजार, और भीरी बाजार को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे कुंड की ओर। और भीरी भी काफी अच्छा बाजार है, छोटा बाजार है बट ठीक बाजार है। यहाँ पे आपको हर जरूरत की सामान मिल जाता है, और अगर आप कभी केदारनाथ मार्ग की ओर आते हो तो अगर आपको कोई जरूरी सामान चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे रहने का भी काफी अच्छा साधन है, तो आप अगर आते हो जैसे अगस्त मुनि से आप आगे के लिए निकलते हो तो अगस्त मुनि पे उतना रहने का जो सही प्रॉपर नहीं है, लॉज वगैरह कमी है, तो आप भीरी की ओर आते हो तो भीरी की ओर आपको लॉज वगैरह काफी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये जो केदार मार्ग है तो वहाँ पे जाने का एक बाजार लगता है बीच में, गियर चेंज करा। हाँ तो सामान लिया, तो यहाँ से जो बाजारों का दृश्य है वो काफी अच्छा है और काफी अच्छा लगता है। और आज मैं कार में हूँ तो कार में जा रहा था, तो अभी आप देख सकते हो कि हिमालय का एक सुंदर सा दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे कि व्हाइट चोटियां आसमान को छू रही हैं। वो अभी शाम के समय अगर जैसे धूप जाने वाली होती है तो बिल्कुल सोने के जैसे लगती है, तो वो चीज़ काफ़ी और भी ज़्यादा अच्छा होता है और उसको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चलते हैं कुंड की ओर और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फाइनली हम निकल चुके हैं कुंड के लिए और ये रोड करती है कुंड से, और ये वाली रोड जाती है जिस पे हम चल रहे हैं ये जाती है केदारनाथ, और सामने जो नदी के उस पार वाली रोड जाती है वो जाती है तुंगनाथ और रुद्रनाथ उस साइड जाती है। तो आप इस वाली रोड से भी रुद्रनाथ वाली साइड जा सकते हैं, तुंगनाथ घूम सकते हैं जो उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट चोटी है, तो चंद्रशिला आप वहां पे घूम सकते हो। और यहाँ पे जो बिजली उत्पादन का कार्य चल रहा है, हाइड्रो पावर का कार्य चल रहा है, तो यहाँ पे काफी अच्छे सीन है क्योंकि यहाँ पे झील है वो काफी अच्छी बन चुकी है। तो आपको नीचे शायद अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि अभी हम हमारे आगे थोड़ा हाइट पे है तो यहाँ से नहीं दिखाई देगी, तो आप झील का आनंद ले सकते हैं यहाँ से तो नीचे झील है और काफी अच्छे व्यूज हैं यहाँ से। और इन्होंने अब यहाँ पे पानी रोक दिया है, तो यहाँ पे काफी अच्छे सीन है फोटो खींचने के लिए, फोटो सेक्शन के लिए काफी अच्छा है। तो नीचे है झील और यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो ये अभी हाल ही में नया बना है, तो काफी पहले से ये कार्य चल रहा था बट इन्होंने जो पानी रोकना स्टार्ट किया है वो हाल ही से किया है। तो यहाँ से काफी अच्छा व्यू है और मैं नीचे आते हुए आपको ये व्यू जरूर दिखाऊंगा क्योंकि नीचे आते टाइम वो मेरी साइड होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तब तक फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं कुंड और तेल भरवाते हैं और उसके बाद आते हैं नीचे घर की ओर, और उसके बाद मैं आपको झील दिखाऊंगा। चाहता हूँ कि अगर मेरे घर में
शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा और मिलता रहूँगा एक नए ब्लॉग के साथ, एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। और रोडों की जो हालत है वो थोड़ा तंगी है, तो हाथ थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, तो बता देना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते रहेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।